कोविड-19 की फर्स्ट वेव के मुकाबले सेकेंड वेव में बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्शन देखा जा रहा है, इन्फेक्शन और सिम्टम्स भी ज़्यादा देखा जा रहा है। इसलिए हमें ज़रूरत है प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस की बच्चों की प्रोटेक्शन और ट्रीटमेंट के लिए। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजीव छाबरा से, जो कि हैं चीफ ऑफ पेडियाट्रिक्स इन आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर, सेकेंड वेव में बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्शन क्यों देखा जा रहा है? तो फर्स्ट वेव में फॉर्चुनेटली एक परिवार में एक सदस्य अफेक्ट होता था और बाकी बच जाते थे, बट प्रोबेबली ये जो करंट वायरस एग्जिस्टिंग म्यूटेशन की वजह से जो वायरस है, इसमें डबल म्यूटेंट होने की वजह से प्रोबेबली इसमें ऐसे चेंजेस आ गए हैं कि उससे उसकी कंटेजियसनेस बहुत बढ़ गई है। मैं आपको बताऊं कि अगर एक परिवार में एक सदस्य अफेक्ट हो रहा है तो बाकी सारे भी अफेक्ट हो रहे हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबल रीज़न जिस वजह से बच्चों में भी ये पाया जा रहा है। सो डॉक्टर, खांसी बुखार जुकाम के अलावा क्या और भी कोई सिम्टम्स हैं, सिवियर सिम्टम्स हैं जो बच्चों में इन्फेक्शन में देखा जा रहा है? ये एकदम सही प्रश्न है, इसके लिए पेरेंट्स में जागरूकता होने की आवश्यकता है। सिर्फ खांसी जुकाम बुखार तो है ही, इसके अलावा जो दूसरे सिम्टम्स पाए जा रहे हैं वो है रैशेज कई तरह के, जो कि बच्चों के शरीर पर आते हैं। ये लाल तरह के दाने होते हैं जो कि 3-4 दिन में आने के बाद चले जाते हैं, हालांकि इनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा लूज मोशंस, वॉमिटिंग, पेट दर्द, ये हम काफ़ी देख रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रोबेबली एसिडिटी जो कि इस वायरस में हो रही है। इसके अलावा हेडेक जो कि दूसरे साधारण इन्फेक्शन में पाया जाता है, वो इसमें भी काफ़ी है। सो इन सब चीज़ों में अपने को, जैसे कंजंक्टिवाइटिस भी इस इन्फेक्शन में देखा जा रहा है, यानी कि आँखें लाल हो जाना। सो अगर ऐसे भी कोई सिम्टम्स हैं तो आप पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करने में हिचकिचाएं नहीं। डॉक्टर राजीव, बच्चों में टेस्टिंग कब होनी चाहिए कोविड-19 के लिए? सो जब भी ऐसा कोई सिम्टम लगे जिसमें किसी तरह का बच्चे को बुखार हो, सर्दी खांसी, जुकाम या अन्य कोई और सिम्टम आपको लग रहा है, जैसे कि लूज मोशंस, वॉमिटिंग जो मैंने आपको बताया, तब आप डॉक्टर से संपर्क करें। एक साधारण क्वेश्चन जो हमसे बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि घर में किसी सदस्य को कोविड है तो उस समय बच्चे का टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? मेरा साफ उत्तर ये रहेगा कि अगर सिम्टम्स हैं तो करा लीजिए, अगर सिम्टम्स नहीं हैं तो बेटर टू वेट एंड वॉच एंड सिंपली ऑब्जर्व द चाइल्ड। डॉक्टर, क्या कोई स्पेशल प्रिकॉशंस हैं बच्चों को कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचाने के लिए? सो जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, पहले तो बच्चों को आप पहले से ही सावधान कर दीजिए कि इधर उधर हाथ न लगाएं। जैसे ही घर में घुसते हैं उनको नहला दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है, कपड़े चेंज कर दीजिए, एवं जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ पर आप सैनिटाइजेशन ऑफ सर्फेसिस कर सकते हैं। डॉक्टर, क्या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है बच्चों में जो ज़्यादा वल्नरेबल है इस वायरस को? फॉर्चुनेटली ऐसा कोई एज ग्रुप नहीं है जो कि ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड है। वी आर सीइंग अक्रॉस ऑल एज ग्रुप, कोई भी बच्चा अभी स्पेयर्ड नहीं है, ये समझ लीजिए। और हॉस्पिटलाइजेशन का क्या रेट है बच्चों? इफ़ आई टेल यू कि मेरे एक्सपीरियंस में अभी मैंने बहुत ही कम बच्चों को एडमिशन की ज़रूरत पड़ी है। एंड द रीजन्स फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, बेसिकली जो पेरेंट्स को समझ लेना चाहिए कि अभी क्या क्या इंडिकेशन में हॉस्पिटल आने की आवश्यकता है। अगर बच्चे को हाई ग्रेड फीवर है जो कि कंट्रोल नहीं हो रहा है साधारण मेडिकेशंस के द्वारा, अगर बच्चा फीड ढंग से नहीं ले रहा है या खाने पीने में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, बच्चे की सांसें तेज चल रही हैं और साथ में सांस तेज चलने के अलावा रेस्पिरेटरी डिस्टर्ब जिसको हम बोलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि फ्लेयरिंग ऑफ एलाइन इज, अगर नाक से ऐसे सांस तेज ले रहे हैं, चेस्ट इनड्रॉइंग है यानी कि मसल्स का काम करना, यानी कि सांस उसको ढंग से नहीं आ रहा है, और एक्सेसिव इरिटेबिलिटी या स्लीपीनेस होना, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा है या बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, या ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें पेरेंट्स को लग रहा है कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा जो आप सैचुरेशन नाप रहे हैं वो 92 से कम है, तो एक बार हॉस्पिटल ले जाके जांच जरूर करानी चाहिए। डॉक्टर, न्यूबॉर्न बच्चों को कितना खतरा होता है कोविड-19 के वायरस से, स्पेशली जब मदर पॉजिटिव होती है और मदर को ब्रेस्ट फीडिंग करने की ज़रूरत होती है तो? सो अभी तक वर्ल्ड में कई जगह काफ़ी सारी स्टडीज पब्लिश हुई हैं जिसमें मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, विच मीन्स कि अगर मदर इन्फेक्टेड है एट द टाइम व्हेन शी इज़ डिलीवरिंग अ चाइल्ड, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन अभी तक नहीं पाया गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। सेकेंड रिकमेंडेशन जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस की हैं वो ये है कि मदर शुड कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड
विद एडिक्वेट आइसोलेशन प्रिकॉशंस विच मीन्स अगेन फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, मास्क पहन के रखें एंड ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखें। तो डॉक्टर, बच्चों में COVID-19 की वैक्सीनेशन के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? जहाँ तक स्टडीज़ का सवाल है, बच्चों में स्टडीज़ अभी चालू भी नहीं हुई। जैसा कि आपने देखा होगा कि फेज़ टू फेज़ थ्री ट्रायल होते हैं, विच मीन्स कि आप फेज़ थ्री ट्रायल बच्चों में जब चालू होंगे और उनके रिजल्ट्स कुछ अच्छे होंगे तभी ये रिकमेंडेशन आएगा कि बच्चों को भी वैक्सीन दिया जा सकता है। सो डॉक्टर, जैसे कुछ बच्चे एस्थमिक होते हैं, डायबिटिक होते हैं, या उनको कुछ और अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन होती है क्रॉनिक लेवल पर, तो उनको COVID-19 से कितना खतरा है? सी, वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कोई भी डिजीज़ अच्छी नहीं होती, स्पेशली वेन देर आर एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिड कंडीशंस, एज यू राइटली मेंशन्ड, एस्मा, डायबिटीज़ वगैरह। तो हमें किसी भी डिजीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए, स्पेशली दिस कोविड वायरस, जिसके बारे में अभी हमें एग्जैक्टली इन डिटेल्स पता भी नहीं है। देयर फोर वी नीड टू बी वेरी वेरी एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर सच किड्स हु हैव कोमॉर्बिडिटीज़। यस, आई एग्री कि नॉर्मल बच्चे के बनिस्पत इन बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। देयर फोर वी नीड टू बी वेरी कॉशियस स्पेशली डीलिंग विद कोविड सिनारियो इन किड्स विद इधर कंजनाइटल हार्ट डिजीजेस और रेस्पिरेटरी इलनेसेस लाइक एस्मा, या और भी कोई और प्रॉब्लम हो जैसे सेरेब्रल पॉल्सी हो, इन सब में हमें ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। सो डॉक्टर, जैसे अभी COVID-19 का वायरस आप बोल रहे हैं कि प्रिज्यूमेबली वो एयरबोर्न हो चुका है, तो बच्चों में जो रेगुलर टीकाकरण होता है वो कराने के लिए डॉक्टर के पास उनको ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए? एज फार एज बेसिक इम्यूनाइजेशन इज कंसर्न, बेसिक का मतलब है जो शुरू के वैक्सीनेशन है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। जो बूस्टर्स होते हैं, यानी कि जो शुरू की डोजेज लगने के बाद में जो बूस्टअप करने के लिए जो होता है इम्यूनिटी को जो वैक्सीन लगते हैं, वो दोज कैन बी डिलेड। और जो हमारे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक सोसाइटी है उसकी रिकमेंडेशंस यह है कि बेसिक इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल शुरू में ज़रूर सबको मिलना चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो कि कोविड तो अपने आप पीक होकर डाउन आ जाएगा और हम ये नहीं चाहते कि बाकी सारी डिजीजेस सरफेस कर जाएं लेटर ऑन। जब भी पेरेंट्स आते हैं तो अपॉइंटमेंट टाइम लेके जाएं डॉक्टर से, उस टाइम को रेस्पेक्ट करें, प्रॉपर टाइम पे पहुँचें, अपने साथ में खुद के लिए एक शीट लेके जाएं बच्चे को जिस पे खुद की शीट पे रख सकें, एंड इट हैज़ टू बी क्विक इन क्विक आउट प्रोसीजर, विच मीन्स कि जितना जल्दी घुस रहे हैं उतना जल्दी बाहर आ जाएं विदाउट स्पेंडिंग मच मोर टाइम। अगर आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो क्वेश्चंस आप वीडियो काउंसलिंग के द्वारा पूछ सकते हैं। सो थैंक यू डॉक्टर राजीव छाबड़ा फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है काफ़ी पेरेंट्स को बहुत जागरूकता मिली होगी COVID-19 का बच्चों में क्या सिनारियो है समझने के लिए। अगर आपके और कोई भी सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड फॉर मोर सच हेल्थ सेंट्रिक वीडियोज स्टे कनेक्टेड विद 1MG।